सलाम अलैकुम जुले, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल अलाउ स्टूडेंट जॉइन एक्शन कमेटी की तरफ से रखा गया है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए हुए थे, खासकर हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ LPSC और बाकी स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर के। तो इस विषय पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइंटली यहाँ पे दो मीटिंग हो गए थे, उसके बाद 7 फरवरी 2022 को सभी स्टूडेंट्स यूनियन ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, ऑनरेबल चेयरमैन LSDC लेह कारगिल, सभी को एक लेटर लिखा था जो कि जीमेल और ट्विटर के थ्रू। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट हैं जम्मू के, वो यहाँ पे हैं। तो आप लोगों को इस विषय पर, आप लोग सभी प्रेसिडेंट हैं खास करके LPSC और SSC को लेकर के, विस्तार से आपको बताएंगे। जुले गावा सिंह और लता एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। तो आज हमारा जो मेन इशू था वो LPSC बोर्ड को लेकर था हमारे यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि देखिए मतलब 3 साल से कोई भी गेजेटेड पोस्ट नहीं निकला है, तो जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट और एज भी हो रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, और इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत राइज हो रहा है हमारे यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो ये कोई मतलब एक छोटा इशू नहीं है, यह बहुत बड़ा इशू है हमारे बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए। सलाम जुले, मैं शाजिया नज़ीर, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। जैसे कि आप सबको पता है कि जम्मू में जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन है, मतलब काफ़ी दिनों से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 मीटिंग्स की है। तो उन मीटिंग में हमारा मेन मुद्दा यही था कि रिगार्डिंग SSC और LPSC को लेके। तो अभी हमारे मतलब यूटी बनने से पहले और यूटी बनने के बाद भी हमारे जितने भी बच्चे थे वो जो है SSB के पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे, और मतलब हमें बहुत सारे बच्चों के जो है वो कॉल्स आए, तो हमने उसी रिगार्डिंग हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे अपने मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हो LSDC ले, LSDC कारगिल, उनको जो है एक मेमोरेंडम पेश किया था 7 फरवरी 2022 को। तो मेमोरेंडम पेश करने के बाद भी मतलब अफसोस की बात यह है कि हमें वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अभी वन ऑफ द मेन इशू जो है वो SSC के सिलेबस को लेके है, जैसे कि हमारे बच्चे जो काफी टाइम से जो SSB के पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे, तो जैसे SSB का पैटर्न मान के चले 70% जनरल स्टडीज, 10% इंग्लिश, 10% मैथमेटिक्स और 10% जो है रीजनिंग, तो बच्चे उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों का जो है ओवर एज भी हो रहा है। तो उनके कॉल्स मतलब बहुत सारे बच्चों का हमें यही रिक्वेस्ट आया है कि हमारा जो पैटर्न हो सिलेबस का वो इसी अकॉर्डिंग रहे, क्योंकि उससे पहले हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पोस्ट तो निकाले लेकिन उन्होंने वो SSC को दे दिया। तो SSC का सिलेबस जो है वो 25% मैथ्स, 25% इंग्लिश, 25% रीजनिंग और 25% जो है जनरल स्टडीज। तो हमारे बच्चे जो है ओवर एज की वजह से जो है बच्चे उसी के हिसाब से काफी सालों से प्रिपेयर कर रहे। तो हमारा जो मेन डिमांड है अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हो, अभी हमारे मतलब LSDC कारगिल, LSDC ले से जो हमारा जो मेन डिमांड है वो यही है कि सिलेबस जो है वो मतलब रिडक्शन हो सिलेबस में, और सिलेबस जो है पहले की तरह ही रहे, ताकि हमारे बच्चे जो है और ज्यादा मतलब सफर ना कर सके। अंत में मैं तंजीनी दूं ऑल संस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट, मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो LPSC और SSC रिलेटेड इश्यूज होगा और हमारा जेन्यून डिमांड को जल्द से जल्द पूरा करें, अगर नहीं हुआ तो हमें नेक्स्ट स्टेप लेने में मजबूर हो जाएंगे।